नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी, नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार निकले फील्ड, सबसे पहले पहुंचे नगर निगम मुख्यालय, महापौर नामांकन कक्ष का भी किया निरीक्षण। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पार्षद नामांकन कक्ष का निरीक्षण किया क्या है इस वक्त की बड़ी खबर है। अहम जानकारी लखनऊ से, नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन शुरू। जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार फील्ड पर निकले हैं, सबसे पहले पहुंचे नगर निगम मुख्यालय और महापौर नामांकन कक्ष का भी निरीक्षण किया। बड़ी जानकारी, पार्षद नामांकन कक्ष का निरीक्षण इस वक्त की बड़ी खबर है। हम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार फील्ड में निकल चुके हैं, सबसे पहले नगर निगम मुख्यालय पहुंचे, महापौर नामांकन कक्ष का भी निरीक्षण किया है। बड़ी जानकारी है, हम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की लखनऊ से, नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन शुरू। जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल फील्ड पे निकले, सबसे पहले नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और महापौर नामांकन कक्ष का निरीक्षण किया है। पार्षद नामांकन कक्ष का निरीक्षण क्या क्या, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन शुरू, जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार फील्ड में निकले, सबसे पहले नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। स्थानों पर नामांकन होगा, उसकी सूचना अपनी प्रकाशित की जा चुकी है। सभी प्रकार की निर्वाचन संबंधी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नामांकन को लेकर मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हैं और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम असुविधा को जन सामान्य के लिए कहीं कहीं पर जहां नामांकन हुआ वहां पर सभी परिवर्तन भी किया गया है और आज से नामांकन कर रहे हैं। वही लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपसे, मेयर और पार्षद के लिए होगा दाखिल पर्चा। सुबह 10 से 3 बजे तक मेयर पार्षद पद के लिए दिए जाएंगे फॉर्म। मेयर के लिए नगर निगम मुख्यालय बना केंद्र, पार्षद के लिए शहर में 5 केंद्र बनाए गए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 10 से 3 बजे तक मेयर के लिए फॉर्म दिए जाएंगे, पार्षद पद के लिए दिए जाएंगे फॉर्म। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, पार्षद के लिए शहर में 5 केंद्र बनाए गए। आज से मेयर और पार्षद के लिए दाखिल होगा पर्चा। सुबह 10 से 3 बजे तक मेयर के लिए फॉर्म दिए जाएंगे, पार्षद पद के लिए दिए जाएंगे फॉर्म। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता दें, मेयर के लिए नगर निगम मुख्यालय पर पर्चा दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पार्षद के लिए शहर में 5 केंद्र बनाए गए और आज से मेयर और पार्षद के लिए दाखिल होगा पर्चा। सुबह 10 से 3 बजे तक मेयर के लिए फॉर्म दिए जाएंगे, पार्षद पद के लिए दिए जाएंगे फॉर्म। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मेयर के लिए नगर निगम मुख्यालय का फॉर्म दिया जाएगा, पार्षद के लिए शहर में 5 केंद्र बनाया जाएगा। तो आज से मेयर और पार्षद के लिए दाखिल होगा पर्चा। सुबह 10 से 3 बजे तक मेयर के लिए फॉर्म दिए जाएंगे, पार्षद पद के लिए दिए जाएंगे फॉर्म। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, मेयर के लिए नगर निगम मुख्यालय पर फॉर्म दिए जाएंगे। बुलंदशहर में एनसीपी और सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हटने को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिनको वोट नहीं मिला और जनता ने नहीं स्वीकारा, उन पर इलेक्शन कमीशन ने अपना निर्णय सुना दिया। बीजेपी ने गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, आसाम जीता, अब कर्नाटक भी बीजेपी जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा सरकार 47 लाख युवाओं को स्किल्ड करने के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत सरकार 47 लाख युवाओं को 3 साल में स्टाइपेंड देगी। सांसद खेल प्रथा का शानदार आयोजन डॉक्टर भोला सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में करवाया है और उसी के समापन के लिए मैं आज यहां पर आया हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि आज माननीय सांसद जी ने जिस तरह से अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र के युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दिया है खेलने के लिए, इससे खिलाड़ियों को एक अवसर मिलेगा अच्छा प्रदर्शन करने का और आगे बढ़ने का। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध बांकी बिहारी पर दर्शन को आने वाले भक्तों के लिए नियम लागू किए गए हैं। आपको बता दें कि मंदिर प्रबंधक ने यात्रियों से कोविड के नियमों को पालन करने की अपील की है, साथ ही मंदिर कमेटी ने बढ़ते कोविड को लेकर गाइडलाइन जारी की। बताते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते समय मास्क और साफ सफाई का खास ख्याल रखने की अपील की गई। मंदिर में किसी भी बीमारी से ग्रस्त और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और छोटे बच्चों को लाने से बचे।
मंदिर प्रबंधक ने यात्रियों से भी अपील की है कि मास्क क्या पहने और इसके साथ ही सतर्कता बरतने की भी अपील की गई है। मास्क और साफ सफाई का भी ध्यान लोग रखें को लेकर अपील की गई है। कोविड को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है और भीड़भाड़ इलाकों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से ही बाराबंकी जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। निकाय चुनाव और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए पुलिस लाइन सभागार में जिलाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह सहित पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह और सभी जिले के उप जिलाधिकारी और क्षेत्रधारियों के साथ थानाध्यक्ष की मौजूदगी में बैठक हुई, जिसमें शांतिपूर्वक चुनाव करवाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वही एडीएम ने कहा है कि जिले के 4 लाख मतदाता वोट करेंगे। जिले में 16 जोनल और 34 तक मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं, साथ उड़न दस्ते भी सक्रिय हो गए हैं। निकाय चुनाव संपन्न करवाने के लिए 17,000 कर्मचारियों को लगाया जाएगा। बता दें कि 11 मई को जिले में मतदान होना, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। आगामी चुनाव और त्यौहार को सकुशल संपन्न करवाने को लेकर सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश कार्रवाई को लेकर दिए गए हैं। देखिए, आयोग के निर्देशानुसार जनपद बाराबंकी के नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके अनुसार कल रात में ही हमारे यहाँ से जो पोस्टर, बैनर और विभिन्न पार्टियों के लगे थे उसको हटवाया गया है। वॉल पेंटिंग की कार्रवाई भी कराई जा रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो वोटर्स हैं वो लगभग 4 लाख की संख्या में हैं और इसके अलावा जो 16 हम लोगों ने जोन बनाया है और 34 सेक्टर बनाया है। आप देख रहे हैं कल से ही जो है फोर्स और हमारे सभी मजिस्ट्रेट्स और नगर पंचायत के जो हमारे अधिकारी हैं लगातार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कंप्लायंस में कार्रवाई कर रहे हैं। आज पुलिस लाइन में जिलाधिकारी महोदय, हमारे एडीएम साहब और सभी एसडीएम साहब के साथ पूरी पुलिस बल, क्षेत्राधिकारी, हमारे एडिशनल एसपी साथ भी विचार विमर्श की गई, परिचर्चा किया गया और आगामी जो दिनों में हमें चुनाव और त्योहारों के अवसर पर जो कार्रवाइयां करनी है उस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए। तो एक तरफ शिक्षा को लेकर किसी तक पहुंचाने के लिए शिक्षा का अधिकार जैसे कानून लागू हो रहे हैं और दूसरी तरफ शुरुआत की सामान्य पढ़ाई भी पहुंच से बाहर हो रही है। इन दिनों स्कूलों में दाखिलों का दौर चल रहा है और ऐसे में दाखिला फीस, स्कूल ड्रेस, कॉपी किताब और पत्ते के खर्च को मिलाकर हिसाब किताब की जो लिस्ट अभिभावकों को मिल रही है उसे देखकर तो अभिभावकों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। स्कूल प्रबंधन और दुकानदारी की सेटिंग में कमीशन खोरी का खेल तेज के साथ चल रहा है। कॉन्वेंट स्कूल चाहे यूपी बोर्ड का हो या सीबीआई का, आईसीएसई का, सबका रवैया एक जैसा है। शहर के नामचीन स्कूल में पढ़ रहे एक बच्चे के पिता ने बताया कि दुकानदार फिक्स प्राइस से ज्यादा पैसा वसूल रहे। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधन ने दुकान भी निर्धारित कर रखी है। यूनिफॉर्म के नाम पर दुकानों में 50 से लेकर 60% तक मुनाफाखोरी की जा रही है। किसी बच्चों में नहीं है? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे? आर्मी स्कूल में। क्या स्कूल से कहा गया है कि यहीं भी किताबें मिलेंगी और भी जवाब मिलेंगे? क्या बोला गया है? कब से खड़े हैं आप लाइन में? 4 बजे से। क्यों आए हैं आप यहाँ लाइन में लगने? बच्चों की किताबें लेने के लिए आए हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? कौन से स्कूल में? कितनी देर से लाइन में? हमें 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बुक्स लेने आए? जी। किस क्लास? थर्ड फोर की। फिफ्थ की। अच्छा, यहाँ लाइन इतनी लंबी लाइन है, इसके अलावा तो किसी दुकान पे नहीं अवेलेबल है? केवल यही। किताबों के बोझ के लिए आपको बता दें कि अभिभावक परेशान है। स्कूल ड्रेस के नाम पर भी कमीशन खोरी हो रही है, फिक्स प्राइस से ज्यादा वसूला जा रहा है पैसा और किताबों के बोझ के तले दब रहे अभिभावक। और आपको बता दें कि स्कूल परिसर से ही किताबें खरीदने को लेकर कहा गया है और जो कीमत है उससे कई ज्यादा पैसे ये लोग वसूल रहे हैं। आपको बता दें कि अभिभावक परेशान है क्योंकि स्कूल ड्रेस के नाम पर भी कमीशन खोरी की जा रही है और स्कूल परिसर से ही किताबें खरीदने को बच्चों को कहा गया है।
सिद्धार्थनगर के इटवा पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का पीड़ित ने आरोप लगाते हुए न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। बता दें कि सिद्धार्थनगर के इटावा थाना क्षेत्र के पटना गांव के एक गले की दुकान पर काम कर रहे थे। मजदूर और दो भाइयों के बीच के विवाद तो हो गया था, जिसमें दोनों पक्ष की तरफ से इटवा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। इस पक्ष का आरोप था कि जबरन घर में घुसकर दलित परिवार के लोगों को पीटा गया और दूसरे पक्ष का आरोप था कि मामूली विवाद को लेकर यह मामला हुआ है जो मारपीट में बदल गया, जिसमें बीच बचाव में एक दलित महिला से छेड़छाड़ का मामला निकलकर सामने आया, जिसको लेकर दोनों पक्ष ने इटवा थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस ने केवल एक तरफा कार्रवाई की है, वहीं दूसरा पक्ष मारपीट और छेड़खानी के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंचा, जहां उन्होंने उस पर पुलिस अधीक्षक से आपबीती बताई। का मामला भर रहा थाने क्यों नहीं सुनवाई भर रहा का मामला हमारे घर में घुसकर मारी सुंदर का सुंदर मनोज जेसू मनोजी मेरा थाने का नहीं सुनवाई को न्याय नहीं मिला। थाने पर एप्लीकेशन दिया, हमारा सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ पे हमारे हमारे खिलाफ एक तरफा एजेंस लिख दिया, हमारा एप्लीकेशन नहीं सुनवाई हुआ दिए। इसी न्याय पाने के लिए मैं क्या मामला हुआ था, किस मामले में अपनी एप्लीकेशन लेबर लोग ग्यारह थे, उसी में हमारे खिलाफ एजेंस लगा दिया गया। तो पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया और कहा जा रहा है कि पुलिस पर लगा एक तरफा कार्रवाई का आरोप और पीड़ित पक्ष ने एक तरफा कार्रवाई का पुलिस पर आरोप लगाया है। तो सिद्धार्थनगर में एक विवाद में पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। हमीरपुर जिले में कटाई के दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी। आग की चिंगारी से लगभग 150 बीघा खेती की फसल जलकर राख हो गई थी। आग इतनी तेज चल रही थी कि देखते ही देखते आसपास गेहूं के खेत जलने लगे। आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। बुझाओ आगे कंसान भागा बच्चे इको हार्वेस्टर लगी आग लगी तार में या तो इनका बुझा लेते हुई तो भाग गया अपन जान लेके मोरे नर कटा धोना आने लगे भाग तार मकान ये से ये तार से लागी भैया। रामपुर के थानागंज क्षेत्र के शाही कॉलोनी पहाड़ी गेट से घर में आग लगने से पूरे परिवार के जल तक घायल होने के मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अचानक सिलेंडर फट जाने से एक ही परिवार के 9 लोग बुरी तरह से झुलस गए। सिलेंडर फटने से मौके पर आसपास की भीड़ जमा हो गई। तत्काल 108 की मदद से सभी घायलों को रामपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। रामपुर पुलिस को इसकी जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह रामपुर सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी तमाम भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। उन्होंने धीरे धीरे करके अपना मकान बनाया था चाइनीज की डिमांड थी, जिस क्षेत्र में लगाई थी और उनके मैं मौका देखा हूं तो वहां पर सिलेंडर मिले, सिलेंडर में लीकेज था तो लीकेज ने अपना सिलेंडर लगा रहे थे या बदल रहे थे तो उसमें आग लग गई। आग लग गई तो लोग भारत की बात है कि सारे लोग बाहर थे, बच्चे बूढ़े जितने भी हैं सब बाहर थे, मेरे अंदर नहीं था। अभी आग बुझाने का प्रयास करने लगे, ये ध्यान नहीं दे पाए तो सिलेंडर अंदर है तो जब आग लगी रही बुझाते हुए सिलेंडर वहां हीट होते पूरा उसने ब्लास्ट किया, वो ब्लास्ट किया तो पूरी छत गिर गई। ये लोग जो अगल बगल उसके अपना बुझाने का प्रयास कर रहे थे तो ऊपर गिर गई छत। ये घटना बिलासपुर गेट के पास वहां पर हुई है और सिलेंडर के फटने के कारण ये दुर्घटना घटी है। तत्काल जैसे ही हमें सूचना मिली हम लोगों ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है, हमको आसानी का कार्य किया जा रहा है मौके पर और इलाज का इलाज चल रहा है।
जो सरकार की राशि है सत्ता पड़ी है उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, लगातार सफल में होंगे। अभी सीमा साथ सभी वार्ता करके और भी राज्य में जो भी बच्चे से बैठे हुए हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। मिर्जापुर के अरोरा नगर के त्रिमुहानी स्थित टिकरा खरंचुआ मार्ग पर सोमवार को वही वसीम दरुसी बाइक लेकर घर के काम से निकला था। रास्ते में इंजन के पास से धुआं निकलने पर वह मिस्त्री के पास ठीक कराने के लिए पहुंचा। धुआं निकलता देख अचालक बाइक मिस्त्री की दुकान के पास वाहन खड़ी कर मिस्त्री को आवाज लगाई, इसी के साथ वह बाइक से उतर गया। उसके उतरते ही बाइक आग के गोले में तब्दील हो गई और बाइक जलकर खाक हो गई। मोहल्ले के लोगों ने बालू और पानी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सर्किट की वजह से या किस वजह से आग लग गया। आग लगने के बाद घबराहट में हर कोई आग बुझाने की तरकीब ढूंढने लगा। जब तक मोहल्ले के लोग कोई पाइप से पानी छोड़ा, कोई बल्टी से कहीं से बालू आया, फिर किसी तरह से मशक्कत के साथ लोगों ने आग पर काबू पाया। तब तक मोटरसाइकिल करीब 80% जल करके सब खराब हो चुकी है और आग लगने से अब आगमन थोड़ा रुक गया। एक दूसरे के सहयोग से ही आग को बुझाया गया। इस बीच फरुखाबाद में बड़ी जानकारी, गेहूं की फसल में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल खाक हो चुकी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। करीब 200 बीघा फसल जलकर राख हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, गेहूं की फसल में अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, करीब 200 बीघा फसल में आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी फरुखाबाद से, गेहूं की फसल में भीषण आग लगी और शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। और सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल खाक हो चुकी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी, जहां करीब 200 बीघा जमीन में फसल में आग लगी है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कई बीघा फसल जलकर खाक हो चुकी है। बड़ी जानकारी, सैकड़ों बीघा फसल जलकर खाक हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोमवार को पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो ने सरकार और निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों से निकाय चुनाव ईवीएम से ना कराकर बैलेट पेपर से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के लिए जो आरक्षण प्रक्रिया लागू की गई, उसमें दलितों और पिछड़ों के हित को नजरअंदाज किया गया। सरकार ने अपने पक्ष वाली प्रक्रिया अपनाई है, यह सही नहीं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में आ गई हैं। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि बीजेपी राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगी हुई है। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं जूली सिंह, आरएनटीवी लखनऊ।
पत्र जहां पर उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव को बैलेट पेपर से कराया जाए, और इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर निकाय चुनाव कराया जाए। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं सब इतने, देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।